गए क्या लौट के? है तो वो आ रहे इसका सर। पेपर। अच्छा बोलना नहीं चाहिए, ऑनलाइन है ये तो। आज एक गड़बड़ हो गई थी हमसे ऑनलाइन में, अभी नहीं। ठीक है आगे बढ़े। जी सर। तो वहां कोई एक क्वेश्चन था जो सर ने किया तो सर को नहीं आया, समझे कि नहीं? तो हमने उसका आंसर किसी टीचर से मंगाया, समझे कि नहीं? तो हमने सॉल्यूशन भी मंगाया, हमने सर को दिया, सर बोले यार मैंने भी तो ऐसे ही किया था बिल्कुल। फिर उन्होंने देखा, अरे यार मैंने ये 9 की जगह 10 की जगह 9 जोड़ दिया। तो हमने उनको कहा मैं कि सर प्रेशर आ जाए तो ऐसा ही होता है। फिर एक बार दिमाग में आ जाए ना कि मेरे को नहीं आता, बस फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता कभी। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशनल के दो पार्ट है, एक ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल, और हम पढ़ रहे हैं पहले कौन सी? हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल। क्लियर? ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल भी किस में? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। किसमें पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब पहली बात तो क्या याद रखना कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हुए तो नहीं दिखाएगा, 5 एक जैसे हुए तो भी नहीं दिखाएगा, बाइडेंटेड और अगर बाइडेंटेड लिगेंड हुआ कैसा हर्षित? और बाइडेंटेड ये ए का मतलब है हर्षित, ये होमोजेनियस बाइडेंटेड है। कैसा है? तो अगर होमोजीनियस बाइडेंटेट हुआ तो भी नहीं दिखाएगा। क्लियर? क्लियर? अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या, ये कोवाल्ट F6 दिखाएगा क्या? नहीं नहीं। क्या नहीं ये दिखाएगा? क्या नहीं ये दिखाएगा, दिखाएगा EN? नहीं ये क्या, दिखाएगा। ये बाइडेंटेड है, होमोजेनियस है। क्लियर? अब इसके अलावा सारे दिखाएंगे, तो इधर देख लो, अगर 1 पे और 6 पे, या 2 और 4 पर, या किस पे 2 और 4 पर, या फिर 5 और 3 पर ग्रुप अगर सेम होते हैं, यहां पर ग्रुप कैसे होते हैं? सेम होते हैं तो ये ट्रांस आइसोमर होता है, पर ये हमें अच्छा नहीं लगता, इसकी बजाय हम इसको करना पसंद करते हैं कि अगर कितने का एंगल हो, 180 180 का हो तो ट्रांस आइसोमर होता है, हमें इससे देखना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और जो ग्रुप कम नंबर में होता है ना वो डिसाइड करता है। क्लियर? हाँ मतलब ट्रांस आइसोमर के लिए दो सेम ग्रुपों में कितने का एंगल होना चाहिए? 180 का एंगल होना चाहिए। तो देख लो, 2 और 4 में, 2 और 4 में 180 का है, 5 और 3 में 180 का है, और 1 और 6 में भी 180 का है। दूसरी बात, जो जिसकी नंबर कम होगी, जिसकी नंबर कम होगी वो डिसाइड करेगा। क्लियर? तो हम तुम्हारे सामने दो एग्जाम्पल डाल रहे। तो हमने वो एग्जाम्पल आपके सामने डाल दिए। तो देखो ये Ma4B2 टाइप का है, मतलब चार ग्रुप एक जैसे हैं, तो दिखाएगा क्या? तो दिखाएगा इसमें से कौन दिखाएगा, कौन डिसाइड करेगा? सीएल। तो सीएल डिसाइड करेगा। तो देखो सीएल, सीएल में एंगल कितने का है? 180 का, तो ये ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। अब देखो सीएल, सीएल में एंगल कितने का है? एक सौ अस्सी का नहीं है। क्लियर? 90 का।
कितने का अभी हो? हम 90, हमें आता ही नहीं, हमें तो ये बताया बस 180 का नहीं। क्लियर? तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? सिस। ये हो गया सिस आइसोमर। क्लियर? अब देखो क्या ये वाला दिखाएगा क्या Ma3B3 वाला? दिखाएगा सर ये। दिखाएगा तो ध्यान से देखना, आजकल ये काफी हॉट चल रहा है। फेसियल मेरिडोनियल। अब ध्यान से देखना, इसके दो आइसोमर होते हैं, एक फेसियल और एक मेरिडायोनल। फेसियल को सिस भी कहते हैं। तो एक आसान जो तरीका है जो हम नॉर्मली बच्चों को बताते हैं वो तो ये कि लाइन से कितने ग्रुप जुड़े हैं? तीन। तीन, तो उसको फेशियल कहते हैं। और लाइन से नहीं जुड़े हो तो उसको मेरिडायोनल, तो उसको मेरिडायोनल कहते हैं। पर ये सही नहीं है। अब ध्यान से देखना, ये सारे अमोनिया एक ही प्लेन में है क्या? नहीं। हाँ, ब्रैक स्क्वायर में ही तो है। हाँ, तो सही लेकिन तरीका, अष्टक के कोणों पे नहीं है सर ये। अरे सुन तो सही है, स्क्वायर के कॉर्नर पे ही तो है तीनों, एक प्लेन में है ये चारों। हाँ अगर कोई से भी तीन ग्रुप एक जैसे, तीन ग्रुप एक प्लेन में हो तो मेरिडायनल मेरिडियन, और नहीं हो तो एसियल। तो देख ये अमोनिया और ये अमोनिया एक प्लेन में है, लेकिन ये वाला अमोनिया ये दूसरे तल में है। क्लियर? तो फेशियल में एक जैसे तीनों ग्रुप एक प्लेन में नहीं होने चाहिए, और मेरिडियन में एक ही तल में ये तीनों अमोनिया एक ही प्लेन में है। क्लियर? क्लियर? टेक्निकल भी बता दिया और देसी तरीका भी बता दिया। बड़े आगे जी सर। अब देखना, जो अब एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है। CON, ठीक है, CL2। तो हम उस एग्जाम्पल को यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो देखो A का मतलब है बाइडेंटेड है और होमोजेनियस है। क्लियर? तो हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया, ये EN वाला एग्जाम्पल। ओके, तो देखो EN क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो दो जगह से जुड़ा हुआ है। क्लियर? और CL, CL में बताओ कितने का एंगल है? 180 का नहीं है, जबकि इन दोनों CL में कितने का है? 180 का, 180 का है। तो ये कौन सा आइसोमर दिखाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? ट्रांस। अब ध्यान से देखना, क्या ट्रांस की मिरर इमेज बन सकती है? नहीं, ट्रांस की मिरर इमेज नहीं बन सकती, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो कौन सा वाला? केवल सिस जो है वही ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आइसोमेरिज्म में पूछा हुआ है आज तक। क्लियर? सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन यही है। क्लियर जी सर। बड़े आगे। यस सर। क्लियर है? तो इसको भैया कहीं पे मार्क कर लेना। आप देखो नीचे ये ऑक्सलेट दिखाएगा क्या? ये सब नहीं दिखाएंगे। ये इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि ऑक्सलेट ना होमोजेनियस लिगेंड होता है। क्लियर? और EN भी होमोजेनियस होता है, तो ये नहीं दिखाएगा। क्लियर? पर अगर देखो, अगर एग्जाम्पल ऐसा हुआ, क्लियर, तो ये दिखा देगा। हाँ सर, ये इसलिए दिखा देगा क्योंकि ये हेट्रोजीनियस है, और हेट्रोजीनियस जो एग्जाम्पल जनरली पूछे जा सकते हैं वो दो ही हैं। क्लियर? डीएनबी। ठीक है, ये दोनों ही हेट्रोजीनियस लिगेंड है, ये ध्यान रखना, और इनसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट और जेई में आ सकता है।
और ये फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी कौन सी फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगी। तो सिस ऑप्टिकली एक्टिव होती है, क्लियर जी सर। बढ़े आगे, अब हम चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक का नाम होता है sp3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की हाइब्रिडाइजेशन दो कौन कौन सी? sp2 और sp3। sp3 की हाइब्रिडाइजेशन होती है टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, और इसकी होती है स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय। ओके, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं हो सकती, ठीक है? इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं हो सकती क्योंकि 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 ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये हमेशा सिस ही रहेगा तीनों के साथ में ये तीनों के साथ में सिस ही स्ट्रक्चर दिखाएगा। ओके, क्लियर है? तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी? sp3 में। तो इसके बेसिस पर यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा और वो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा कि dsp2, एक मिनट है ना, आ गया पेन भैया, तो देखना कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ऐसे करके बना देगा, तो इनमें से किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं है? अर्षित, इसमें संभव नहीं, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। यहाँ पर एक केमिकल बॉन्डिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन सी डी होती है, और हर्षित बताएगा इसका आंसर। हर्षित है स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमेशा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है, क्लियर। और अगर ये ऐसे लिखी होती प्रदीप तो कौन सी होती? डी जेड स्क्वायर होती है, क्लियर है। तो हमने सीखा कोऑर्डिनेशन नंबर फोर की किस हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, sp3। तो sp3 में पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं आगे अपने दो एग्जाम्पल। यहाँ पे फिर से वही कहानी है क्या कि अगर चारों लिगेंड एक जैसे हुए, तो नहीं होगी, क्लियर। तीन एक जैसे हुए तो नहीं होगी और बाकी में होगी, क्लियर। यहाँ पे मैं एक लाइन और लिख देता हूं जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, और वो क्या हो सकती है कि ध्यान से देखना, m(AA) तो इसमें तो नहीं होगी, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ कैसा, m(AB) ये हेटरोजीनियस है बाय डेंटेट, तो इसमें होगी, हो जाएगी, क्लियर, एनजीओ, ठीक है।
अब देखो एम ए टू बी टू टाइप का एग्जाम्पल, मतलब दो लिगेंड एक जैसे, दो लिगेंड एक जैसे, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? डीएसपी टू डीएसपी टू। तो देखो इसमें दो अमोनिया एक जैसे हैं, दो क्लोरीन एक जैसे हैं, और इसका नाम क्या है? प्लैटिन। सिस्प्लाटिन। तो देखो और बता भैया योगिता, इसमें से कौन सा, ये कौन सा आइसोमर है? है? ये सिस होगा सिस आइसोमर है, क्योंकि 180 का नहीं है, और ये ट्रांस ये आइसोमर है। क्यों क्यों? ट्रांस 180 180 का जो सिस प्लेटिन है। का एंगल है। हाँ, जो सिस प्लेटिन है उसको एंटी ट्यूमर ड्रग्स कहते हैं, एंटी ट्यूमर ड्रग्स। ये एक ड्रग्स बार नीट, मतलब कई बार आ चुका है, एक बार नीट में आया, ऐसा कंपाउंड जिसको एंटी ट्यूमर ड्रग्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसने स्ट्रक्चर बना के दे दी। तो अब हमें कंपाउंड के अलावा ये भी पता होना चाहिए कि सिस काम करता है या ट्रांस, दिस प्लॉटिंग। ठीक है ना? सिस प्लेटिन काम करेगा। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से जी देखो, अगर ऊपर कॉम्प्लेक्स एम ए टू बी सी टाइप का हुआ, ये लिखा हुआ, तो कितने आइसोमर बनेंगे? दो ही बनेंगे दो सर इसके। ही जी बनेंगे। क्लियर? जी अब देखना, अगर चारों लिगेंड अलग अलग हुए तो, तो तीन बनेंगे। अगर चारों लिगेंड अलग अलग हुए तो फिर तीन आइसोमर बनेंगे, और ये 12th क्लास का क्वेश्चन भी है, इसलिए तुम्हारे आने की संभावना है। अब देखना भैया, हर से ध्यान से देख लेना, इसमें से कितने सिस, दो सी से एक ट्रांस। ठीक है ना? अब ये आइसोमर बनाते कैसे हैं ये देख लेना। इन चारों में से जिसको जो ग्रुप अच्छा लगे उसको तीनों में फिक्स कर देते हैं। देखो तो मुझे एनओ टू अच्छा लगता है, तो मैंने सारे एग्जाम्पलों में किसको फिक्स कर दिया? एनओ टू को। अब मैंने क्या किया है, सी एल वी आर और आई को क्लॉकवाइज घुमाया, तो देखो सी एल यहां से हटके कहाँ आ गया? क्लियर? सी एल यहां से हटके जी यहां आ गया। क्लियर है? और जो हमारा बी आर था वो यहां से हटके कहाँ आ गया? ठीक है, तो हमने इन ग्रुपों को घुमा दिया। क्लियर? क्लियर है? ठीक अब जो यस सिस ट्रांस डिसाइड कर रहे हैं, सिस ट्रांस डिसाइड कर रहे हैं, वो ना आर एस नोमेनक्लेचर के बाद ही समझ आ सकता है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि दो अगर हायर प्रायोरिटी के ग्रुप आमने सामने हो, दो हायर प्रायोरिटी के ग्रुप अगर आमने सामने हो तो सिस, नहीं अड़ोसी पड़ोसी हो तो सिस, और सामने हो तो ट्रांस। जी ट्रांस, ठीक है ना? हमने कभी किसी को बताया नहीं, पर ये वाला ट्रांस है, ये वाला। ओके? क्योंकि ये दो हाईएस्ट, गलत, हाँ ट्रांस है, सही है, ठीक है ना? नहीं बाद में बताएंगे भैया इसको, अब हम बाद में देखेंगे। क्लियर? इसको हटा रहे, हटा दें। अब ध्यान से देखो, ये नीचे लिखी हुई बात समझ आ रही है क्या, ये वाली? आ रही हाँ? अर्षित गई है? सर जी। ठीक है ना? तो अगर टफ पेपर आया तो ही आ सकता है ये। तो देखो ग्लाइसिनेटो क्यों दिखाएगा, क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन पड़ोस पड़ोस में है, तो योगिता कौन सा आइसोमर हो गया? किस हो गया ये सिस हो गया। अब देखो इसमें नाइट्रोजन कैसे हैं, 180 तो पे। एन इसमें आइसो एन अपोजिट है, तो कौन सा हो गया? ट्रांस। ट्रांस। ईएन में कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे ही डोनर एटम कौन है? ट्रांस।
ठीक है ना, सारे ही डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो हिट्रोजीनियस हुआ तो दिखाएगा, क्लियर? यस सर। कोई डाउट इतने में है? नहीं सही है। no, तो देखो मैं यहाँ पर नीचे एक टेबल बना रहा हूं जो जनरली काम नहीं आती, बस मानसिक शांति के काम आती। ओके okay? जनरली जेई में, जेई की जो बुक्स है उसमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाते, और इसमें से फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए पहला इम्पोर्टेंट। 15 बनाई गई, ठीक है। बाकी दीपावली पे समय नहीं कट रहा हो तो इनके आइसोमर बना बना के देख लें। नहीं बनाई है सर ये। हाँ, घर में कोई काम धाम नहीं हो, ठीक है ना, क्लियर है? जी सर। यह हमारी, यह हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरी हो गई है, ऑप्टिकल नेक्स्ट क्लास में करें, क्लियर? ठीक है, एक साथ इतनी आइसोमेरिज्म, या लिख लो बाइडेंटेड, तुम पढ़ लेना, तुम पढ़ोगे गलती से, वैसे पता नहीं पढ़ोगे कि नहीं, पर देख लो, है ना। बोलो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जी हर्षित बोल सकता है क्या आगे? बाइडेंटेड लिगेंड दिख जाए तो, बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये सबसे आसान तरीका है, अगर आपको कम आता है तो इससे आसान कोई तरीका नहीं, क्लियर? क्लियर है? Yes. तो देखो, देख आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सारे लोग ऐसे दिखाते हैं कि भैया वो होना चाहिए क्या, मिरर होना चाहिए अपने पास, उसके मिरर इमेज होनी चाहिए या काइरेलिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? काइरेलिटी। तो वो बहुत बात की, बहुत ही टफ प्रॉब्लम में जरूरत पड़ती है, हमें ऐसा लगता है। इजी प्रॉब्लम में उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो बेवकूफी है। देखो ध्यान से, ये दिखाएगा क्या ये वाला? दिखाएगा ही। कैसे पता लगा? बाइडेंटेड लिगेंड है ना, बाइडेंटेड लिगेंड है तो दिखाएगा, ठीक है ना। तो बीच में रख दिया सीसा, क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है? और देखो भैया, इसके टोटल आइसोमर कितने हैं? 30, ठीक है, 30 आइसोमर बनेंगे, कोई डाउट? नीचे वाले के बनेंगे सर ये? हाँ, इसके इसके इसके, ठीक, ओके। ये ऑप्टिकल बनेंगे सर, टोटल ही बनेंगे? टोटल नहीं, ऑप्टिकल, अरे हम गलत बोले, टोटल है, ठीक है। आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन, ओके, क्लियर है? ठीक बात है, ठीक है। कोई हमारा नंबर भूल गया हो तो ये रहा। क्लियर? ठीक है भैया, ये अपनी आइसोमेरिज्म खत्म हो गई है, हम आइसोमेरिज्म की कोशिश करेंगे, आपको सीट बनाकर सेंड कर दें, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब आपके इसमें दो टॉपिक बचे हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन और एक स्टेबिलिटी, क्लियर? हम सीएफटी ऑलरेडी कर चुके। सर ये एलएफटी है क्या अपने पास? है? अपने सिलेबस में एलएफटी थोड़ी, लिगेंड फील्ड थोड़ी। अबे जो होगी सब पढ़ा देंगे यार, होगी, हम इतनी टेंशन नहीं करते, होगी तो होगी यार। पूछ रहा है।
तेरे को आती है? नहीं. हमको आती है? नहीं. फिर क्या, कोई टेंशन कर आती नहीं तभी तो पूछ रहा हूँ. अबे अबे जो आता है ना तो उसकी टेंशन कर लेगा ना तो फर्स्ट ग्रेड का टीचर बन जाएगा. तेरे को हमने समझाया इतने क्वेश्चन आते हैं जो तुझे आता है और तू कर सकता है. कितने हैं? हो जाएंगे तो बहुत है सर. 110 इतने ले आएगा ना तो राजस्थान में फर्स्ट रैंक आएगी तेरे. इतने कर लेगा ना तो 110 लाए एक फर्स्ट रैंक आ जाएगी आराम से. समझ गया कि नहीं? हाँ कोशिश तो यही है. हाँ ठीक है ठीक है. तो बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास. ठीक है ठीक. ओके थैंक यू. ओके तो स्टॉप शेयरिंग.